हेलो दोस्तों, मैं अजीत यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार विथ आईटीआई में आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में सुरक्षा चिन्ह के बारे में पढ़ा था, सुरक्षा चिन्ह के बारे में, फिर उसके बाद 5X के बारे में पढ़ा था, फिर कृत्रिम श्वसन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम अपना अगली टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मापक एवं मापक औजार। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि मापक मापन क्या होता है। तो मापन की हम लिखा है हमने मेजरमेंट, मापन औजारों या उपकरणों से, मापन औजारों या उपकरणों से प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से मापने की क्रिया को मापन कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है, तो उसको हम बता रहे हैं आगे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है, तो दिया गया है ना कि मापन औजारों या उपकरणों से, जो हमारे मापन औजार होते हैं, जैसे स्टील रूल हो गया, फिर उसके बाद वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, ये सब हमारे मापक औजार हैं, ठीक है। उनके द्वारा हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अगर माप लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं अब हम कि मापन की विधियाँ, तो मापन की विधियाँ हमारी, मापन की दिखाई गई, मापन की तीन विधियाँ हैं। प्रत्यक्ष मापन होता है, अप्रत्यक्ष मापन होता है और तुलनात्मक मापन होता है। तो अब तीनों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, क्या होता है प्रत्यक्ष, क्या होता है अप्रत्यक्ष, क्या होता है तुलनात्मक। तो प्रत्यक्ष मापन वो होता है जो, जिसे हम डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट किस में लिया जाता है, जैसे अगर कोई अगर जॉब है, कोई अगर जॉब यहाँ पे दिया गया है दोस्तों आपको, कोई जॉब जब दिया गया है, अगर हम इसको स्टील रूल की सहायता से अगर माप लेते हैं इसकी, अगर स्टील रूल की सहायता से अगर इसकी माप लेते हैं, स्टील रूल आपको पता ही होगा, अगर स्टील रूल की सहायता से अगर माप लेते हैं, तो ये हमारा डायरेक्ट मेजर करता है, यानी कि इस माप को हमें कहीं कहीं ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ता है, ये हमारा क्या कर रहा है, इसको डायरेक्ट मेजर कर रहा है, ठीक है। यानी हमें तुरंत वह माप पता चल जाएगी कि यह कितना सेंटीमीटर लंबा है या कितना mm लंबा है, इसका हमें तुरंत माप पता चल जा रही है। अगर हम वर्नियर कैलिपर से ले रहे हैं अगर इसकी माप, वर्नियर कैलिपर का अगर हम यह लगा के यहाँ पर इसकी माप ले रहे हैं, उसमें भी हमें पता चल जाएगा तुरंत, में डायरेक्ट मेजर मतलब में तुरंत माप मिल जाती है उसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा, उसी यंत्र द्वारा हमें क्या मिल जाती है, उसकी माप मिल जाती है। वो हमारा किस में आ जाएगा, डायरेक्ट मेजरमेंट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारा आता है अप्रत्यक्ष मापन, अगला क्या होगा अप्रत्यक्ष मापन। अप्रत्यक्ष मापन में क्या होगा, हमें उस इंस्ट्रूमेंट द्वारा तुरंत माप नहीं मिलेगी, उसमें क्या हो रही थी, उसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हमें क्या मिल जा रही थी, माप मिल जा रही थी, लेकिन इसमें हमें उसी उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा तुरंत माप नहीं मिलेगी। जैसे हमारा अगर जाब अगर ये है, हमने यहाँ पे बनाया है, अगर हमारा ये जाब है तो इसको हम मापने के लिए किसी हम कैलिपर का यूज करेंगे, ठीक है। अगर मापने के लिए अगर हम कैलिपर का यूज, कैलिपर अगले वीडियो में बताएंगे आप लोग, कैलिपर जैसे आउटसाइड कैलिपर है, इनसाइड कैलिपर, जो भी कैलिपर है, अगर इसको मापने के लिए हम कैलिपर का यूज कर रहे हैं, तो जो कैलिपर हमारा होता है, आप लोगों को बता देते हैं कैसा होता है कैलिपर। जैसे ये कैलिपर है, अगर हमें किसी जाब की अगर माप ले रहे हैं, जैसे हमारी जाब है, इसकी हम क्या ले रहे हैं, माप ले रहे हैं, इस कैलिपर के द्वारा हम जाब की क्या करें, माप ले रहे हैं, तो ये कैलिपर हमारा जाब जाब की माप थोड़ी बताएगा, इस पर ग्रेजुएशन थोड़ी होते हैं, चिन्ह थोड़ी अंकित होते हैं कि हमारी माप तुरंत बता देगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको स्टील रूल पे क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। यह जो हमारा जितनी माप इसमें एडजस्ट है, इसको हम स्टील रूल पे ले जाएंगे। इसको कहाँ ले जाएंगे, स्टील रूल पे ले जाएंगे। फिर स्टील रूल पे ले जाएंगे तो हमें माप पता चलेगी कि हमारी कितनी माप है। तो आया समझ में कि नहीं समझ में आया, जैसे कि अप्रत्यक्ष माप में समझ आया कि हमें अप्रत्यक्ष माप में तुरंत माप नहीं मिलती, उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम माप लेते हैं, ठीक। तो यह हमारा किस में आ गया, अप्रत्यक्ष मेजरमेंट में आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है तुलनात्मक मापन। तुलनात्मक मापन हमारा आ जाएगा कंपरेटिव मेजरमेंट, यानी इसमें हम किसी मास्टरपीस से किसी जॉब की क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है। मास्टरपीस जैसे हमारा, जैसे स्लिप गेज आता है ना, कई सेटों में आता है, उसकी जो माप होती है वो फिक्स होती है। जैसे स्लिप गेज आता है, इसे कई प्रकार का स्लिप गेज है, इस तरह से आ गया, कोई 10 mm का है, कोई 12 mm का, कोई कितने, इस तरह अगर आ गया हमें, तो हमें माप लेनी है,
जो हमारा जाब रहेगा, जो हमारा जाब रहेगा उससे हम इससे तुलना करते हैं। जैसे हमारा जाब है, ये जो हमारा जाब है इससे हम तुलना करेंगे कि हमारा उस साइज में है कि नहीं। अगर ये 10 mm का है तो हमारा जाब भी 10 mm का है, तुलना करते हैं। अगर ये 10 से 12 तो इसको तुरंत हटा देते हैं हम, यानी कि इसको तुलनात्मक मापन में किसी मास्टर पीस के द्वारा हम जाप की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, तुलनात्मक मापन में आ जाएगा। तो आप लोगों को प्रत्यक्ष मापन, अप्रत्यक्ष मापन और तुलनात्मक मापन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि प्रत्यक्ष मापन में हम डायरेक्ट मेजर कर रहे हैं, इस्टू रूल्स ऐसे हो गया वर्नियर कैलिपर, उसमें हम डायरेक्ट मेजर कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया अप्रत्यक्ष मापन, इसमें हम कैलिपर की सहायता से जाप को इस्टू रूल पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके बाद हमारी माप क्या हो रही है, मिल रही है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया तुलनात्मक मापन, तुलनात्मक मापन में क्या हो रहा है, हम किसी भी मास्टर पीस के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं। मापन की विधियाँ हम लोग देख लिए। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है मापन की विधियाँ हो गया, फिर अब आता है मापन के प्रकार। मापन के प्रकार में हमारा आता है, देखते हैं आगे मापन के प्रकार। मापन के प्रकार, मापन के प्रकार में दोस्तों हमारा आता है, पहला आता है रेखीय मापन। पहला क्या आता है, रेखीय मापन, रेखीय मापन। रेखीय मापन हम किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा लेते हैं, जैसे स्टील रूल हो गया। सीधी रेखीय मापन मतलब लीनियर मेजरमेंट, यानी सीधी रेखा में माप। जैसे हमारा कोई जाब है, इसकी हम सीधी रेखा में माप करना है, ठीक है। सीधी रेखा में माप करने का मतलब हम स्टू रूल की सहायता से इसकी माप कर सकते हैं, स्टू रूल की सहायता से। उसके बाद इसकी माप हम वर्नियर कैलिपर की सहायता से कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे माइक्रोमीटर लगा के भी इसका माप कर सकते हैं। तो रेखीय मापन के अंतर्गत यानी हम वह माप जिसको हम सीधी रेखा में मेजर करते हैं, वो हमारा क्या आ जाएगा, रेखीय। रेखीय से ये समझ में आपको आ जा रहा है कि रेखीय मापन मतलब सीधी रेखा में हमारी माप है, ठीक है। रेखीय मापन के बाद हमारा दूसरा आता है कोणीय मापन। दूसरा क्या है, कोणीय मापन। आप लोग ध्यान से देखिए, बस हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कोणीय मापन में क्या हमारा है कि कोणीय मापन मतलब किसी कोण की मापन। अगर कोई सीधी रेखा है, कोई सीधी रेखा को अगर कोई दूसरी रेखा अगर कट कर दे दी है तो वहाँ पे क्या बन जाता है, कोण बन जाता है ना। इसमें आपका क्या आ गया, कोणीय मापन। कोणीय मापन किन इंस्ट्रूमेंट की सहायता से लेते हैं, कोणीय मापन वैसे माला वर्नियर, वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर हो गया, और प्रोटेक्टर हमारा आता है चांदा आता है, और टाई स्क्वायर से भी हम माप लेते हैं। माप है उससे हम टाई स्क्वायर की सहायता से हम एंगल चेक करते हैं, उसके अंतर्गत इसको रख दिए हम। कोणीय मापन मतलब कोई सीधी रेखा है, उससे कोई रेखा अगर कट कर रही है तो हमारा वहाँ पर कोण बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोणीय मापन कहते हैं, ठीक है। कोण साइन बार भी हमारा कोण ज्ञात करता है, साइन बार भी कोण ज्ञात करता है। उसके बाद हमारा बेबल स्क्वायर होता है, उसके बाद बेबल वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर आता है, वो भी हमारा कोण मापता है, ठीक है। तो ये सब क्या हमारे हैं, कोणीय मापन के अंतर्गत आ जाएंगे। कोणीय मापन मतलब किसी कोण का मापन करते हैं। कोणीय मापन के बाद हमारा आता है तीसरा, तीसरा मापन हमारा आता है दोस्तों प्लेन सरफेस की माप, प्लेन सरफेस की माप। प्लेन सरफेस की माप कैसे करेंगे हम, प्लेन सरफेस की माप कैसे करेंगे। प्लेन सरफेस अगर कोई हमारी सरफेस जैसे ही है, हमारी सरफेस अगर हमें इसकी माप करना है, इसकी माप हम किसकी सहायता से करेंगे, इसके लिए आता है स्ट्रेट एज आता है। स्ट्रेट एज की सहायता से हम इसकी समतलता की भी जांच कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट एज आता है, फिर उसके बाद हमारा ट्राई स्क्वायर से भी हम किसी सरफेस की फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे रेखीय मापन हो गया, कोणीय मापन और प्लेन सरफेस की माप हो गई। इसके अंतर्गत हमारा आ गया
मतलब मापन के प्रकार में रेखीय मापन आपको समझ में आ गया होगा, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, कोणीय मापन के अंतर्गत क्या क्या आएगा और प्लेन सरफेस की माप कैसे लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कुछ हमारी मापन की कुछ इकाइयाँ हैं, उसको भी हम देख लेते हैं, मापन की इकाइयाँ। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला दोस्तों है त्रिज्यीय माप। प्लेन सरफेस की माप हम लोग ले लेंगे, फिर उसके बाद हमारा क्या है त्रिज्यीय माप। त्रिज्यीय माप मतलब अब क्या हो गया, आप लोग समझ गए होंगे, त्रिज्यीय मतलब गोलाई, त्रिज्यीय मतलब क्या है गोलाई में, किसी यही माप हम गोलाई में ले रहे हैं तो उस किस किसके अंतर्गत है, त्रिज्यीय माप के अंतर्गत है। गोलाई माप किसकी सहायता से लेते हैं, जैसे हम हमारा आ गया रेडियस गेज, और हम कोई जाप बनाए हैं, अगर देखिए अगर हम कोई जाप बनाए इस तरह, तो अगर हमें इसकी माप लेना है तो हम हमारे लिए एक रेडियस गेज आता है, उसकी सहायता से हम क्या करते हैं इसकी माप लेते हैं। अगर किसी कोई साफ्ट अगर है, कोई कोई साफ्ट अगर है, से साफ्ट है, अगर कोई साफ्ट है तो इसकी अगर हमें डाया लेना है, रेडियल मतलब वृत्तीय, इसकी अगर हमें डाया लेना है तो हमारे लिए एक रिंग गेज आता है, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे इसकी माप लेंगे। अगर कोई होल है और कोई होल बना, अगर कोई होल बना है और इसके अंदर की हमें अगर डाया लेना है तो उसमें हमारा किसके अंतर्गत आएगा, इसको हम माप लेंगे प्लग गेज की सहायता से। हमें आगे इसके बारे में पढ़ा जाएगा जब चैप्टर आएगा, तो गेज वाला उसमें पढ़ा जाएगा। तो त्रिज्यीय माप में अगर हम रेडियस गेज की सहायता से किसी जाप की हम क्या करते हैं माप लेते हैं, गोलाई में माप लेते हैं, फिर अगर कोई साफ्ट है तो उसके हम बाहरी बेलनाकार भाप का माप लेना है तो उसके अंतर्गत हम रिंग गेज का उपयोग करेंगे, यानी इसके अंतर्गत हम त्रिज्यीय माप के अंतर्गत वृत्तीय माप लेते हैं। ठीक है, गोलाई में माप लेते हैं, इसके मतलब यही हुआ। तो आप लोगों को तीनों समझ में आ गया होगा, रेखीय मापन, कोणीय मापन, प्लेन सरफेस की माप और त्रिज्यीय माप। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा मापन के प्रकार। तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं अपना मापन की कुछ महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो उसमें हमारा लंबाई या दूरी की कुछ इकाइयाँ हैं, जैसे एक फुट में होता है हमारा 12 इंच होता है, एक फुट में कितना होता है 12 इंच होता है, और एक इंच में 2.5 सेंटीमीटर या 25.4 mm यानी मिलीमीटर। इसका मतलब समझ रहे, एक इंच में 2.5 सेंटीमीटर होगा या तो 25.4 mm होगा, इसका मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि एक 10 mm में होता है हमारा 1 सेंटीमीटर। अगर हम mm में हमें करना है तो 10 से अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या होगा, यह 2.5 सेंटीमीटर है, अगर हमें mm में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 10 से इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 25.4 mm आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा 1 मीटर में आपको सबको पता होगा 100 सेंटीमीटर होता है, यह भी आपको दिखा देते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, ये भी आप लोग देख लीजिए, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, नॉर्मल सी बात सबको पता होगा। लंबाई की कुछ इकाइयाँ थी, अब देख लेते हैं कोण की कुछ इकाइयाँ होती हैं हमारे कोण मापने की। इसमें हमारा एक वृत्त में 360 डिग्री होता है, एक जो वृत्त होता है उसमें डिग्री कितनी होती है, टोटल 360 डिग्री होती है, एक वृत्त में 360 डिग्री होती है, सबको पता होगा। एक डिग्री में हमारा 60 मिनट होता है, यह देखिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक डिग्री में 60 मिनट, एक डिग्री में कितना होता है 60 मिनट। अगर इसी में पूछ दे अगर आपको कि एक मिनट में कितना डिग्री होगा, एक मिनट में अगर पूछेगा तो आपका हो जाएगा एक मिनट में आप लिख सकते हैं 1/60 डिग्री, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अगर इसको हम इधर कर देंगे तो एक मिनट में 1/60 डिग्री हो जाएगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है, एक डिग्री में कितना मिनट होता है, और एक मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड होता है, आप लोग सबको पता होगा, नॉर्मल सी बात है कि एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। ये देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा है एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, 57.3 डिग्री होता है, एक रेडियन में 57.3 डिग्री होता है। तो दोस्तों बता दें आप लोगों को, रेडियन जो होता है वो कोण मापने का सबसे बड़ी इकाई है रेडियन, ये क्या है कोण मापने की
सबसे बड़ी इकाई क्या है? सबसे बड़ी इकाई है, यानी कोण मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? रेडियन। अब देख लेते हैं सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जो हमारी सेकेंड होती है, यह सबसे सबसे छोटी इकाई होती है कोण मापने की। यानी इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कहीं पूछ देगा एग्जाम में आपको कोण मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है, दे देगा ऑप्शन में डिग्री मिनट सेकेंड, ये सब कोण मापने की इकाइयाँ हैं, दे देगा डिग्री मिनट सेकेंड, आपको पता होगा तभी ना आप क्या कोण मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेकेंड है, और सबसे बड़ी इकाई क्या है हमारा, रेडियन है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं अगला हमारा दिया है तापमान की इकाइयाँ, तापमान की इकाइयाँ, तापमान की इकाइयाँ में हमारा हो जाएगा आपको एक डिग्री सेल्सियस में 274 केल्विन होता है, यह याद कर लीजिए, यह हमेशा पूछा जाता है, और एक डिग्री सेल्सियस में आपका कितना फारेनहाइट होता है, तो होता है 33.8 डिग्री फारेनहाइट, यह दोनों इम्पॉर्टेंट है, कहीं एक डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है, 274 केल्विन होता है, और एक डिग्री सेल्सियस में कितने फारेनहाइट होते हैं, 33.8 फारेनहाइट होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं शक्ति की इकाइयाँ में हमारा आ जाएगा एक हार्स पावर में कितना वाट होता है, तो एक हार्स पावर में कितना वाट होता है, तो हमारा होता है 746 वाट, यह ब्रिटिश में है, यह ब्रिटिश में, अगर एक हार्स पावर में अगर मीट्रिक में पूछ देगा तो क्या करेंगे आप लोग बताइए, अगर मीट्रिक में पूछ देगा तो हो जाएगा यही 735.5 वाट, ये हमारा किस में है, मीट्रिक में है। ठीक है, एक हार्स पावर में 746 वाट ब्रिटिश में हो जाएगा, और एक हार्स पावर में 735.5 वाट हमारा किस में हो जाएगा, मीट्रिक में हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने मापन एवं मापक औजार में सिर्फ हम मापन के बारे में आज पढ़े हैं, हम अगले वीडियो में मापक औजार के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ मापन के बारे में पढ़े, मापन क्या होता है, मापन की विधियाँ पढ़े हम, मापन की कौन सी विधियाँ हैं, जैसे प्रत्यक्ष विधि है, अप्रत्यक्ष विधि है, और तुलनात्मक मापन होता है, तीन प्रकार के मापन बताए हैं, प्रत्यक्ष में हम डायरेक्ट मेजर कर लेते हैं, अप्रत्यक्ष में किसी माप को क्या कहता है, किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में हमें ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, माप को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करके हम की माप का पता करते हैं, वो हमारा अप्रत्यक्ष में हो जाएगा। फिर उसके बाद हम पढ़े हैं तुलनात्मक में किसी मास्टर पीस के द्वारा हम तुलना करके पता करते हैं, ठीक है, ये पढ़े हैं। फिर उसके बाद हम मापन के प्रकार में पढ़े हैं लीनियर मेजरमेंट मतलब रेखीय मापन में हम क्या कर रहे थे, स्टील रूल की सहायता से या फिर वर्नियर कैलिपर या फिर माइक्रोमीटर की सहायता से माप ले रहे थे लीनियर मेजरमेंट में। फिर उसके बाद हमारा था कोणीय मेजरमेंट में हम क्या कर रहे थे, किसी एंगल का माप कर रहे थे, ट्राई स्क्वायर आ गया, बेवल प्रोटेक्टर हो गया, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर हो गया, उसके बाद जो हमारा प्रोटेक्टर हो गया चादा, या फिर हमारा कॉम्बिनेशन सेट आता है उसके द्वारा भी हम माप लेते हैं, कोणीय मापन करते हैं, वो हो जाएगा। फिर उसके बाद हम कोणीय मापन के बाद पढ़े थे त्रिज्यीय मापन, यानी गोली माप, जैसे किसी जो हमारा शाफ्ट है उसकी बाहरी माप लेना है या होल है उसका माप लेना है, तो हम क्या कर रहे थे, वो किसके अंतर्गत आ रहा था, हमारा था वो त्रिज्यीय माप के अंतर्गत। फिर उसके बाद हम सरफेस की माप ले रहे थे, सरफेस की माप लेने के लिए हम स्ट्रेट एज का प्रयोग कर रहे थे, उसकी समतलता चेक कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हम कोण के बारे में पढ़े हैं, कोण की इकाइयाँ पढ़े हैं, फिर उसके बाद शक्ति की इकाइयाँ पढ़े हैं, फिर उसमें मापन की इकाइयाँ पढ़े हैं, यानी हमने आज मापन के बारे में पूरा संपूर्ण विस्तृत तरीके से जाना है, जो हमारी एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और हर एग्जाम में कुछ ना कुछ इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।